बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में एएसआई सर्वे। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 28वां दिन। एएसआई के 15 अधिकारियों के साथ 25 मजदूर शामिल। हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई की टीम कर रही है सर्वे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहाँ बताते चले कि भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद में एएसआई का सर्वे लगातार जारी है। भोजशाला में एएसआई सर्वे का आज 28वां दिन है। एएसआई के 15 अधिकारियों के साथ 25 मजदूर शामिल। हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। आपको बताते चले कि सर्वे रिपोर्ट जो सामने आएगी उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले लगातार सर्वे का कार्य जारी है और सर्वे काफी गोपनीय तरीके से किया जा रहा है। यानी कि जो भी सर्वे में अब तक डिटेल निकल कर सामने आई है उसे अब तक उजागर नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ धार सहयोगी साबिर खान जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे सहयोगी की और। साबिर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आज के सर्वे को लेकर, आखिर आज क्या खास होने वाला है? बिल्कुल अश्मिता, आपको बता दूं कि जो एएसआई की टीम है सुबह 8 बजे यहाँ पे पहुंच गई थी, उसी के साथ में जो है मजदूर भी यहाँ पे पहुंचे थे। इन्होंने 8 बजे जो है प्रवेश किया है और अपने सर्वे के कार्य की शुरुआत कर दी है। वहीं हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों जो पक्षकार हैं जो इस सर्वे के दौरान उपस्थित रहे थे वो भी अपने समय अनुसार जो है यहाँ पे पहुंचे हैं और सर्वे में भाग लिया और सर्वे जारी है। सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पे जो विवादित इमारत है जिसके टाइटल को लेकर के हाईकोर्ट में पिटीशन दायर है, जिसके आदेश पर जो है 22 मार्च से एएसआई की टीम यहाँ साक्ष्य जुटाने में जुटी है, सर्वे कर रही है। इस सर्वे में जो है इस पूरे क्षेत्र की मैपिंग, ब्रशिंग, क्लीनिंग, सैंपलिंग, इवन जो है कार्बन डेटिंग और अन्य विधाओं से जो है यह सर्वे सतत जारी है। आने वाले समय में अपेक्षा की जा रही है कि यहाँ पर जीपीएस जीपीआर की मशीनें भी पहुंचेगी, उसके द्वारा भी जो है यहाँ पे जांच की जाएगी। जांच जो है बड़ी सूक्ष्म और गहनता से की जा रही है ताकि जो है साक्ष्य यहाँ से पता किए जा सके, इस इमारत का इमारत की जो उम्र है उसका पता किया जा सके, ताकि इसका टाइटल डिसाइड हो सके कि ये भोजशाला है या कमाल वाला मस्जिद है। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर जांच का कार्य जारी है, सर्वे का कार्य जारी है। लेकिन अगर अब तक की बात की जाए तो अब तक की जांच में बताया जा रहे थे कि कई गड्ढे खोदे गए, कई गड्ढे बंद कर दिए गए, और उन गड्ढों से आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए अस्मिता, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार है अब्दुल समद, उनकी ओर से जो है एक आवेदन लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे जो खुदाई हो रही है, गहरी खुदाई हो रही है, जो उस पर रोक लगाने के लिए और जो फिजिकल डैमेज हो रहा था इस इमारत का, उसको लेकर के आवेदन लगाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक आदेश दिया था जिसमें इस चीज के लिए रोक लगाई थी कि ऐसी कोई खुदाई जिससे इमारत को नुकसान पहुंचे, जिसका जो वास्तविक जो स्वरूप है वो बदलता है, इस तरह की यहाँ पे खुदाई ना हो। उसके बाद से यहाँ पे गहरी खुदाई होना बंद हो गई थी, अब छोटी छोटी खुदाइयां हो रही थी, जो 3 बड़े गड्ढे थे जो 8 से 10 फीट तक खुदाई की गई थी, इमारत के पिछले हिस्से में किया गया था, नींव तक पहुंचने की कोशिश की थी, वहां से मिट्टी के सैंपल्स लिए गए थे, वहां से पत्थर के सैंपल लिए थे। उसके बाद अगर 2 दिन पुरानी बात हम करें तो इमारत का जो अंदरूनी हिस्सा है, जिस हिस्से को हिंदू समाज जो है यज्ञ कुंड कहता है और मुस्लिम समाज जो है वजू खाना कहता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो खुदाई हुई थी, उस खुदाई में एक मूर्ति नुमा जो है एक पत्थर निकला था 1 फीट बाय 1.5 फीट का, जिसमें महात्मा बुद्ध की जो है इमारत दिखाई दी थी, ये कहना है मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद का। और उन्होंने कहा था कि उसको सर्वे में लिया जाए, उसकी भी जांच की जाए, उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी इनकी, वहीं पे गहरी खुदाई के लेकर की गेंतियां चल रही है। इस तरह की भी बार बार शिकायतें जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से आने लगी थी। और अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो उनकी भी इससे पहले वो दोनों पक्ष संतुष्ट थे, लेकिन कुछ दिनों से वो अपनी शिकायत कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि 2003 के बाद जो चीजें इमारत में इंक्लूड हुई थी उनको भी सर्वे में लिया जाए और 50 मीटर के दायरे में जो सर्वे होना है वो अभी बाकी है। बिल्कुल, सर्वे का कार्य अभी बाकी है, 50 मीटर के दायरे का सर्वे का कार्य अब लगातार किया जा रहा है और आज 28वां दिन। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर तमाम जानकारी देने के लिए।